टैकोस खा लिए हैं। टैकोस बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। एंड अभी मैंने टर्पन टाई किया क्योंकि मेरा वाइवा है, प्रेजेंटेशन हमारी चल रही है कॉलेज में। एंड अभी मेरी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड वाइवा होगा तो मैं उसी के लिए टर्बन बांधी है। एक्चुअली वाइट शर्ट भी पहननी होती है पर वाइट शर्ट मेरी प्रेस वाले के पास गई हुई है तो आई एम नॉट एबल टू वियर इट। देखते हैं अभी ग्रूमिंग के पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी होगा वाइवा एंड शायद रात को भी आज कोई बढ़िया डिश बनेगी तो आपको उसकी भी मैं थोड़ी से मतलब शॉर्ट्स देता रहूँगा, बताता रहूँगा साथ में भी कैसे बननी है। आप प्लीज़ फिगर आउट कर लेना, जैसे मैंने टाको की दी थी वैसे ही मतलब मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता रहूँगा तो आप फिगर आउट कर लेना कि कैसे बनानी है। तो अभी मैं देता हूँ वाइवा एंड आपसे मिलते हैं वाइवा के बाद। मैं लेने जा रहा हूँ नूर को ट्यूशन से। 5 बजे मेरा वाइवा ख़त्म हो गया था। वाइवा बहुत बढ़िया हो गया मेरा एंड अभी नूर को ट्यूशन से लेके आऊँगा। मेरा आज फ्रंट ऑफिस का वाइवा था एंड नूर पहले से ही आ रही है रास्ते में। मैं लेने जा रहा था, मैं थोड़ी सी लेट गया, हुआ ये खुद ही आ गई रोड क्रॉस करके। ओए तू वेट नहीं कर सकती थी? अरे रुक रुक, अरे ये देख लो मोटी खुद ही आ गई ट्यूशन से। भाई मैं 5 मिनट ज्यादा भी ट्यूशन पे रह नहीं सकती, मेरे को जाने लग जाता है। वाह, फिर ज्यादा नहीं रहती, खेलने लग पड़ती है वहां पे इसको। 5 मिनट ले, नो नो ये देखो सस्ते नशे। नहीं नहीं होम्योपैथिक दवाई है, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ बेटे, मैं मजाक कर रहा हूँ। मास्क उतार देते हैं क्योंकि घर आ गया है। मैं साइकिलिंग बता दूँ तुझे, जाना चल। क्या साइकिलिंग? साइकिलिंग नहीं, मैं नहीं जा रहा। आप उन्हें गड्डी गेड़ी लान चलेंगे। ये है भूख एंड घर पे और कोई चीज़ नहीं थी। जैसे कि 6 बज चुके हैं, 3 बजे मैंने टाकोस खाए थे एंड अभी बनाएंगे हम ऑमलेट। इसमें डाले मैंने प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिली, कैप्सिकम एंड लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक एंड अभी इसको पकाएंगे देसी घी में। देसी घी में इसका स्वाद डबल हो जाता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। ये तो मैं नॉर्मल ऑमलेट बना रहा हूँ। अगर आपने मेरे मसाला ऑमलेट की रेसिपी देखनी है जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनता है, तो आप ऊपर आई बटन में जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नीचे से पक गया होगा। गोलाई ऑमलेट रेडी। गाड़ी में बैठ गया हूँ एंड अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट। मार्केट में एक्चुअली जसनूर की स्पेक्टिकल्स जो हैं वो टूट गई थी तो नया फ्रेम बनना दे के आना है हमने। तो अभी जाएंगे मार्केट कार पे क्योंकि एक्टिवा अभी घर पे नहीं है, तो कार पे जाएंगे। नूर आने वाली है, मेरी वॉच पकड़ने गई हुई है अंदर से। होपफुली शायद उसको मिल जाए, मेरे को लगता नहीं मिल जाएगी, खाली हाथ वापस आएगी। ये लिख के ले लो मेरे से। तो चलो चलते हैं मार्केट दोबारा। एंड आज रात को बनने वाले हैं शेजवान फ्राइड राइस विद चिकन करी। तो आपको फ्राइड राइस की भी आज शायद मैं रेसिपी दिखा दूं। शायद ये व्लॉग मैं 2 पार्ट्स में रिलीज़ करूं क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है। एंड देखते हैं अभी क्या करना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड बज रहे हैं, लॉकडाउन लग चुका है एंड फतेह आया ट्यूशन से। तो फतेह वाज सेइंग दैट प्ले विद मी, तो हम बैट बॉल खेल रहे हैं। बॉल करवा भाई, ओए धीरे, नहीं कैमरा पे नहीं लगेगी। इसको कैच नहीं करनी आती, जब कैच करना है नहीं, ये बॉल से डर जाता है। ये ले, अब तो नहीं बड़ी, ये देख अब भी नहीं की गई। चलो हम खेल खेलना, हम खेला एंजॉय करते हैं। जोश
अभी बन रहे हैं हमारे शेजवान फ्राइड राइस, जिसके लिए हमने पहले ऑयल में डाला है डाली है कटी हुई गाजर। एंड इधर राइस के लिए पानी उबल रहा है। ये पानी चिकन करी वाला, मतलब चिकन करी वाला ही, हाँ फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। चिकन करी वाली कढ़ाई है उसमें ही उबल रहा है, क्योंकि बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा राइस में चिकन का। एंड चिकन भी राइस में डालने के लिए बॉयल हुआ पड़ा है गाजर। एंड अभी डल जाएगा काफ़ी सारी जिंजर जूलियन एंड काफ़ी सारी लहसुन फॉर एक्स्ट्रा वगैंसा फ्लेवर, बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर के लिए। इसको अच्छी तरह से भून लें। एंड फिर इसमें डलेगा स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट एट द एंड डलता है। दिस वॉज द टिप अगेन, क्योंकि अगर ग्रीन पार्ट पहले डल जाएगा तो उसका जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर सारा ख़त्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा बीच में भी डाल सकते हो अनियन का ग्रीन पार्ट थोड़ी सी लुक देने के लिए, बट आप एंड पे जब इसको प्रेजेंटेशन इसका करेंगे तो आप उसको ऊपर डालें एंड उसका टेस्ट और प्रेजेंटेशन डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा, टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा और प्रेजेंटेशन भी, एक प्रेजेंटेशन के लिए भी एक एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। डाला क्योंकि प्याज जल्दी भून जाता है और ये टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाले सारा कुछ पहले डाला। एंड प्याज डल रहा है क्योंकि वो थोड़े से ब्राउनिश कलर आना शुरू हो गया था, थोड़ा पक गए थे वो। एंड अभी डाला है प्याज एंड फ्लेम थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे मीडियम की तरफ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन करी भी हमारी तैयार है, जो शेजवान फ्राइड राइस के साथ खाएंगे। जो फ्राइड राइस है वो जनरली खाया जाता है या तो ऐसे ही और या फिर खाया जाता है चिकन मंचूरियन या चिल्ली चिकन के साथ, बट पंजाब है भैया, पंजाबी फ्लेवर्स के बिना तो हमारी रोटी अंदर ही नहीं जाती। तो बल्ले बल्ले। हाँ, तो चिकन करी के साथ हम शेजवान फ्राइड राइस खाने वाले हैं। मतलब पहले शेजवान फ्राइड राइस वैसे भी खाएंगे, पर चिकन करी के साथ एक बार आप खा के देखना, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें सारे खड़े मसाले जाएंगे, इट इज मुंह में भी ना आए। एंड दिस इज़ बेसिकली अ फ्लेवर इन्फ्यूज़र फॉर राइस एंड ऑल अदर डिशेज। अगर आप चने भी कई बार उबालते हैं अमृतसरी छोले बनाने के लिए, तो इसमें आप चाय पत्ती और सारे खड़े मसाले डाल के फ्लेवर छोलों का भी इन्हांस कर सकते हैं। इसको अब सिम कर देते हैं एंड ये बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है सब चीज़ों पे। इसमें ज़्यादा नहीं पकाना आता, क्रंची रखना है। हाँ, क्रंची टेस्ट रखना है इसका, तभी अच्छा लगता है। अब इसमें जाएगा शेजवान चटनी 2 से 3 चम्मच, जितना आपको फ्लेवर चाहिए। अच्छा, अब जैसे 2 गिलास चावल है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लो, क्योंकि इन राइस का नेम ही यही है शेजवान फ्राइड राइस। अच्छी तरह से अभी मिक्स करते हैं। इसमें नमक भी डाल दिया गया है, नमक आप हिसाब से डालें, क्योंकि जो शेजवान सॉस है उसमें भी नमक ऑलरेडी होता है। काफी बढ़िया हमारा मसाला रेडी है, चावल हो रहे हैं, गैस बंद कर देंगे, मिक्स करके गैस बंद। बस इसमें अभी सीधे चावल चिकन, अंडा भी जाएगा इसमें, अंडे की भुर्जी जाएगी जो कि अभी बनने लगी है। एंड फिर इसमें जाएगा बॉइल्ड चिकन, साथ में जाएंगे हमारे जो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अब चिकन डल रहा है क्योंकि राइस आर रेडी, थोड़े से ग्रीन्स पहले डाल दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइड राइस एंड चिकन करी रेडी है। मैंने ग्रीन्स थोड़े में साइड में ले लिया क्योंकि ग्रीन्स का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो करते हैं टेस्ट टेस्ट। चिकन करी मैंने थोड़ी डाल ली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर है। शेजवान चटनी का जो तीखा बना है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड जो चिकन है वो भी बहुत अच्छे से पकाया हुआ है हमारे शेफ साहब ने, मासी ने। एंड ये हमारा ओरियो, ये आप देख सकते हैं, आप बगा दिए।
तो स्प्रिंग अनियन का जो टेस्ट है ना, स्प्रिंग अनियन का एंड शेजवान सॉस का, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है इसमें। क्या देख रहे हो भाई, जाओ बनाओ खाओ यार, मेरे को एंजॉय करने दो, ये प्लेट खत्म हो जानी अभी 2 मिनट तक। आप बनाओ खाओ शेजवान फ्राइड राइस, हमारे शेफ साहब ने बहुत ज्यादा बढ़िया बनाए हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड मम्मी, जाओ बनाओ यार। तो दिन हो गया ख़त्म, रात के बज रहे हैं 10:44 एंड मैं कर रहा हूँ व्लॉग एडिट, जो मैंने ये शूट किया है व्लॉग एडिट करके मैंने सुबह डालना भी है। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और व्लॉग्स हफ्ते में कम से कम मैं 2 व्लॉग्स या 1 व्लॉग तो डाल ही करूँगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ के साथ यार यूट्यूब लाइफ थोड़ी मैनेज करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो 1 व्लॉग तो मैं डेफिनेटली डाला करूँगा हर हफ्ते, अपनी लाइफ से रिलेटेड अपना दिन आपको दिखाया करूँगा एंड आपको नई नई रेसिपीज़ एंड फूड भी शो करा करूँगा। तो आज अपने व्लॉग में मैंने 2 रेसिपीज़ दिखाई, एक थे टैकोस, मतलब देसी टैकोस रोटी वगैरह से, एंड दूसरी रेसिपी शेजवान फ्राइड राइस चिकन एंड एग वाले। तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, मेरी मौसी की रेसिपीज़ थी, थैंक्स टू देम। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @foodiesworld IG, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। एंड मेरे पर्सनल जो इंस्टाग्राम है sardarji1313, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड पेज पे जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर रेगुलरली मैं पोस्ट डालता रहता हूँ एंड रील्स, एक दिन छोड़ के मैं रील्स या रोज़ भी कई बार रील्स मैं हफ्ते में डाल देता हूँ। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, एंड मैं ऐसे ही व्लॉग्स लेकर आपके पास आता रहूँगा। सो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।